सिम्फर यानी केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक इन दिनों शैवाल से फूड प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शैवाल आमतौर पर तालाब, जलाशय और नदियों में पाए जाते हैं। ये एक ऐसा पर्णहरित युक्त पौधा है जो जड़, तना और पत्तियों में बटा नहीं होता। शैवाल की कुछ किस्में हानिकारक है, जबकि कुछ का भोजन, दवा और खेती में उपयोग किया जा सकता है। अलगे इस एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल ऑर्गेनिजम्स हों, इनसे बहुत कुछ ह्यूमन काइंड के लिए बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी अ फूड और अ फ्यूल और फर्टिलाइजर। एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड, फार्मेसी इम्पोर्टेंट, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, बहुत सारा अलगे से बन सकते हैं। शैवाल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन सहित कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। धनबाद के झरिया इलाके के डिगवाडी में स्थित सिम्फर के वैज्ञानिकों ने शैवाल से फूड प्रोडक्ट बनाने के प्रोजेक्ट को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। ये प्रोजेक्ट मेनली अलगे से फूड प्रोडक्शन के लिए हम लोग नया आइडिया सोचे थे। हम लोग टारगेट करते हैं इस प्रोजेक्ट का प्रोसेस डेवलपमेंट एंड स्टडी फॉर 1 ईयर। वी होप दैट हम लोग इसका कमर्शलाइज लेके आएंगे विद इन 1 ईयर। हाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती ही है, जो कि हम खाना खा के तो पूरा ना कर सके, तो सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। पहल तो बहुत अच्छी है, बाकी जब प्रोडक्ट इनका सामने आता है तो देखती हूँ। इसमें 2 चीज़ें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉस्ट प्लस टेस्ट। इसके लिए वैज्ञानिक शैवाल से ऐसे पदार्थों को अलग कर रहे हैं जो मानव शरीर को हानि पहुँचा सकते हैं। इसके बाद इससे पौष्टिक तत्वों को निकाल कर खाद्य पदार्थ तैयार किया जाएगा। ये खाद्य पदार्थ कैप्सूल, टैबलेट या पाउडर के फॉर्म में तैयार किया जाएगा, ताकि इसे लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। सर, ये बहुत रूप से हम यूज कर सकते हैं, इधर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और इट मे बी द टैबलेट और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और इट कैन बी यूज्ड फॉर कुकीज और बिस्किट्स। इन मोस्ट डाइवर्सिफाइड फॉर्म हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। शैवाल से तैयार खाद्य पदार्थ पूरी तरह से शाकाहारी होगा। इसके साथ ही इसकी लागत इतनी कम रखने की कोशिश होगी ताकि गरीब तबके के लोग भी इसका उपयोग कर सकें। वैज्ञानिकों की माने तो इससे कुपोषण पर भी काबू पाने में आसानी होगी। शैवाल के उत्पाद को लेकर किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। शैवाल से बने इस तरह के पौष्टिक फूड प्रोडक्ट का उपयोग बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं भी कर सकती हैं। फिलहाल चीन, जापान, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में शैवाल का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। बढ़ती जनसंख्या के बीच खाद्य समस्या के हल के लिए ऐसे प्रयोग जरूरी हैं। ये प्रयोग सफल रहा तो शैवाल हमारे दैनिक खान पान में शामिल हो जाएगा। इससे पौष्टिकता बढ़ेगी और खाद्य समस्या का समाधान भी हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।